वी वॉन्ट टू सी शहनाज एज सिंगर डी वैंग वैंग या वांग क्या है नाम आपका ओके सिंगर अभी मेरा गला खराब है और देखते हैं किस्मत में होगा तो गाएंगे भी नहीं होगा तो नहीं गाएंगे चल रहा है काम तो चल रहा है थोड़ा बहुत तुहानू अपने आप यह की चेंजेस फील होए आफ्टर बिग बॉस स्ट्रेस तो नहीं हुंदा इन्ने लव्ड वंस दी एक्सपेक्टेशंस दा शिका शिका ओके सो मेरे में चेंजेस क्या आए आफ्टर बिग बॉस मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए मुझे ये सीखने में मिला बिग बॉस से कि यार साइड पे हट जाओ मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मेरे को मैं शूट पे हूँ ऐसे ही तो मुझे ये सीखने में मिला बिग बॉस से कि मतलब बिग बॉस तुम्हारा एक ना मैंने जब बिग बॉस बाहर आके देखा तो मुझे ये फील हुआ मतलब तुम्हारी बिग बॉस एक ऐसी जिंदगी है जो तुमने जितनी भी जिंदगी जी है ना बिग बॉस से पहले उसका रिजल्ट होता है बिग बॉस तो वहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या हो और तुम खुद को जानने की कोशिश करते हो और मैंने खुद को यही जाना कि मतलब कि जो मैंने गलतियाँ की है जो मैंने अच्छी चीज़ें की है जो मैंने गलतियाँ की है उनको मैं इम्प्रूव किया और जो मैंने अच्छी चीज़ें की उनको मैंने और अपनाया तो ये मैंने बिग बॉस से सीखा वहाँ पे लॉक हो गया तेरा फोन अच्छा इरिटेट हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेस तो नहीं हुंदा इन्हें लव्ड वंस दी एक्सपेक्टेशंस तो होता है स्ट्रेस लव्ड वंस अच्छा है बट एक्सपेक्टेशंस सब पता नहीं तुम क्या रखते हो और मैं क्या आपको एक्सपेक्टेशंस पे मैं मतलब क्या अपनी खरी उतरती हूँ या नहीं ये नहीं मुझे पता क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो सबको किसी ना किसी से होती है बट आपको क्या है मेरे से यही है कि मैं काम करूँ अच्छी रहूँ और अपना ध्यान रखूँ ये मैं कर रही हूँ ठीक है इससे ज़्यादा तो बाद में काम अभी स्टार्ट हो गया है और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे अब ठीक है चलो सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी सीक्रेट ऑफ माई ब्यूटी मैं प्योर सोल हूँ मीन्स ये मेरी ब्यूटी है कि मैं मुझे पता है कि लाइक मतलब मैं इतनी अच्छी हूँ मतलब थोड़ी सी तारीफ़ कर देती हूँ अपनी क्योंकि तुमने पूछा है सीक्रेट क्या है आपकी ब्यूटी का और मेरा यही सीक्रेट है कि मींस ना शेट्टी यार क्या सीक्रेट है हाँ मेरे को सीक्रेट भूल रहा है मेरा कि मतलब मैं ना मेरे को इतना पता है अगर कोई कितनी भी गलती करे ना कितनी भी गलती करे तो उसको माफ़ करना सीखना चाहिए जो मेरे में बहुत अच्छी तरह है कि मतलब अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी है ना तुम्हारे से कितना भी बुरा कर गया उसको माफ़ कर दो कि ऐसे नहीं कि यार गलती हुई है तो हाँ चल निकल बाड़ में जा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है सो वो सब में होनी चाहिए और उससे तुम्हारी ब्यूटी दिखती है सुंदर होना ना सुंदर होना उससे कोई मैटर नहीं करता बहुत दुनिया है जो बहुत दुनिया बहुत से बहुत आगे है जो बहुत सुंदर भी है और कोई है कोई सुंदर नहीं है सो ब्यूटी तुम्हारी तुम्हारे अंदर से जज होती है ना कि तुम्हारी बाहर से कि तुम कैसी हो गुड लुकिंग हो या नहीं ऐसा कोई नहीं देखता तुम्हारा अच्छाई देखता है लोग बट आजकल ज़माना लोग ब्यूटी ज़्यादा देखते हैं तो क्या कर सकते हैं उनकी मर्ज़ी है तेरा फिर से बंद हो गया लॉक मेरे को पहले गुस्सा आ रहा है मेरे यूट्यूब पे कोई कमेंट नहीं आ रहा नीचे बताती हूँ हौसला रखो दे बाबा ड्रामे मार रहा है सामने खड़ा होके नाच रहा है ओके लाइव कंसर्ट कंसर्ट होता है
कदों करोगे अर्जुन? अर्जुन जी, लाइव कंसर्ट तो मैं अभी कर रही हूँ आपके साथ, और बाकी वो वाला लाइव जो बोल रहे हो क्राउड वाला, वो मेरा भी सपना था कि मैं जब निकलूँ बहुत सारे इवेंट्स करूँ, बहुत सारी चीज़ें करूँ बाहर आके, ओ माय गॉड शहनाज़ के कितने फैंस हैं, ओ आई लव यू शहनाज़, आई लव यू, ओके 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 फाइन, ऐसा मैं चाहती थी। बट जो तुम चाहते हो वो ज़्यादातर होता नहीं है। प्लानिंग और सोच, मतलब कैसे समझाऊँ कि मतलब ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहती कोई चीज़ें, जो हम हमेशा चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलती, हमें उससे ज़्यादा ही मिलता है वैसे तो। बट हाँ, ये बात बोल देती हूँ कि लाइव ऐसे मिलेंगे, वैसे तो शायद अब कभी ना ही हो पाए, इतना ज़्यादा दुनिया में गलत गलत चीज़ें हो रही है, गंदी गंदी चीज़ें हो रही है, इतनी गंदगी बढ़ गई है, तो अब तो भरोसा ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी आ सकती है। अभी कोरोना कभी सुना नहीं था, वो आ गया, अब कुछ और ना आ जाए। तो मैं चाहती हूँ मैं तुमसे ऐसे ही प्यार मोहब्बत करूँ, ऐसे आई लव यू, बाय, टेक केयर, ओके, ओ हेलो, नो 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 नॉट हेलो, बाय, टेक केयर। हाँ, ये फेक सी स्माइल देके तेरा फिर से फ़ोन बंद हुआ। बाबा मेरे को सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यू नो, नहीं करनी मुझे बात ऐसे, मेरे को पहले आंसर देने। ओके, हाय, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पंजाबी गाना कदों आ रहा? नो आइडिया, कोई प्लानिंग नहीं। आर यू गोइंग टू बिग बॉस? मेरा ख़त्म हो गया, क्यों जाऊँ मैं दोबारा? हैं, क्यों जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है बिग बॉस में आने की? मेरे को तो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। अब तो अगर मैं गई तो फिर एज अ गेस्ट जाऊंगी, हेलो हाय ओके बाय। अब मेरे को एक कमेंट दिखा और उसका मैंने रिप्लाई किया, अब उससे ज़्यादा मेरे पास कमेंट ही नहीं आ रहे। यहाँ पे दिखेगा मुझे कमेंट, यू लुकिंग सो स्वीट, थैंक यू डार्लिंग्स। बाबा ये इसमें कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, ये वाला फ़ोन दे दो, इधर मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ इनके कमेंट्स, है ना। लाइव चैट आर विजिबल? नहीं है, रहने दो, बकवास फोन है मेरा। मेरे को तो चक्कर आ रहे, कमेंट्स इतने ज्यादा आ रहे। अच्छा, हाय, मेरी आंखें खराब हो रही, इतनी जोर रहो, जल्दी जल्दी जा रहे। ओह ओह ओह, क्या बात है। अच्छा चलो, ऐसे ही आ रहे आप। ओके, नेक्स्ट है बेबी, नो क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही होता ना। हाँ, जस्ट लव यू मोहित, कितने अच्छे हो आप, कोई कोई भी कुछ भी नहीं पूछा, मतलब कोई मेरे लिए क्वेश्चन नहीं पूछा, इट मीन्स आप मेरे को जानते हो अच्छी तरह, आप अच्छी तरह जानते हो इसीलिए नहीं पूछा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्न फ्रॉम बीबी जर्नी, वही के जैसे हो वैसे रहो। अगर तुम्हें कोई फेक बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्यार करता है, रियल बोलता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम वैसे रहो जैसे हो। मतलब आज कोई कुछ बोल रहा है, कल कोई कुछ बोल रहा है, सो खुद पे भरोसा रखो, दुनियादारी छोड़ो, मींस अपने आप पे भरोसा रखो, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, अपनी नेचर, अपनी आप खुद जो अंदर से अपने आप को फील करते हो, क्या क्या तुमने अच्छा किया है दुनिया में, क्या क्या तुम अच्छा कर रहे हो, किसी का बुरा मत करो, किसी की फीलिंग्स के साथ मतलब क्या बोलते हैं, फीलिंग्स के साथ मत खेलो, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और बीबी जर्नी मतलब यही थी मेरी, और मुझे आगे भी ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, बी रियल, दैट्स इट। आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है सीना? आपका क्या है फ्यूचर प्रोजेक्ट?
मेरे तो बहुत है आ रही है काफ़ी, मतलब कर रही हूँ मैं अभी, काम कर रही हूँ और शूट है मेरे अभी, एंड 1 वीक में पता चल जाएगा और जल्दी जल्दी गुड न्यूज़ आएगी आपके पास। अब मुझे और वेट नहीं करवाना, बहुत वेट करवाई है तुम लोगों को। डिस्क्राइब शहनाजियंस इन वन वर्ड, जोत तालीवाल। सॉरी, वन वर्ड में तो ये डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे सालों लग जाएंगे इनको डिस्क्राइब करने के लिए। हाँ, बट वन वर्ड में नहीं, थोड़ा बोल देती हूँ। वन वर्ड में इतनी मैं वन लाइनर हूँ नहीं कि मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ शहनाजियंस को। शहनाजियंस जो है ना, उनको मेरी फीलिंग पता है। मीन्स अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं दुखी हूँ, जैसी भी हूँ, मीन्स वो मेरे साथ उन्होंने इतना कनेक्ट किया है बिग बॉस से कि मतलब उनको पता है सना कब हर्ट हो रही है, कब खुश है, कब क्या कर रही है। मीन्स वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फीलिंग्स जानते हैं मेरी कि हाँ अभी ये फील कर रही होगी, अभी ये। इतना कोई कनेक्ट करता है तुम्हारे साथ तो इट मीन्स वो तुम्हें अंदर से जानते हैं। शहनाजियंस क्यों बने? क्योंकि वो मुझे उन्होंने जाना। बहुत लोगों ने मेरे को बुरा बोला, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत लोगों ने बहुत बहुत कुछ बोला, बट शहनाजियंस ही क्यों बने? मतलब शहनाजियंस क्यों बने मेरे लिए, क्यों मेरी क्यों फ़ैन फॉलोइंग बनी? क्योंकि मैंने कभी, उन्होंने मुझे समझा मैं क्या हूँ, दैट्स इट, वही शहनाजियंस है। और मेरे को बार बार प्लीज़ मत पूछा करो शहनाजियंस शहनाजियंस शहनाजियंस। मैं बार बार नहीं बता सकती एक चीज़ के मतलब क्या 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 मतलब। हाँ बाबा प्यार है, मैं बार बार वो बोल के नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं मतलब फिर ऐसे लगता है ना कि खुद को बहुत वो कर रही है शनाजन शनाजन करके, तो मेरे को वो चीज़ नहीं करनी बाबा। इसको अब यहाँ समझ जाओ कि मेरी तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं हमेशा हमेशा बताऊँगी, और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा लाइव कर लिया है, और कमेंट कोई पढ़ने लाइक हो तो मैं पढ़ूँगी। आई मिस यू शहनाज, सो क्यूट, टेक केयर शहनाज, बेबी लव यू लव यू, सारे लव यू लव यू लव यू, एंड आई लव यू टू, एंड प्लीज़ बी विद मी, मतलब मेरे साथ रहना। और मेरी मतलब मेरी लाइन, मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में, प्रोजेक्ट्स के लिए भी और वैसे भी इमोशनली भी। तो मुझे तुम लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिए, और मैं यही चाहूँगी कि मैं तुम्हें कभी दुखी ना करूँ। और आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, दैट्स इट। खुद को प्यार करो, दैट्स इट। बाय, टेक केयर।